अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मुंबई का फेमस मटन दाल गोश्त। ईद भी है, बकरा ईद है, तो बकरा ईद के मौके पर आप ये बना सकते हैं मटन में। तो कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये मैंने 200 ग्राम मसूर की दाल ली हूँ, इसमें सॉल्ट डाली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें मैंने एक गिलास भर के पानी डाली हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी डाली हूँ, और मैं हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके अब मैं चट गलने के लिए रख डालूँगी। मैंने इसका फ्लेम लगा दी हूँ, गैस का फ्लेम फास्ट है, और एक सीटी में फास्ट फ्लेम पे लूँगी, दो सीटी में स्लो फ्लेम पे लूँगी। मसूर की दालें जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैं तीन सीटी में ये दाल गला के आप लोगों को बताती हूँ। ये तीन सीटी हो चुकी है हमारी दाल, माशाल्लाह अच्छे से गल चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सी पानी ऐड करूँगी, इसे एक अलग टोप में निकाल लूँगी, और जो बचेगी उसमें पाव गिलास की जितना पानी ऐड करके इसे हिला के पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करके निकाल लेंगे। मैं आपको एक टोप में निकाल के बताती हूँ। दाल मैंने निकाल ली हूँ, पाव गिलास ही पानी मैंने ऐड करी थी, अच्छे से कुकर हमारा साफ़ करके मैंने निकाल चुकी हूँ। अब मैं भुना मसाला बनाती हूँ मटन का, कैसे बनाते मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने वापस से कुकर ले ली, कुकर में प्रेशर कुकर में बनाएंगे ताकि झटपट बने हमारा मटन दाल गोश्त। इसमें मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दी हूँ, ऑयल गर्म होने के लिए रखी। इसमें हाफ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ज़ीरा हमारा थोड़ा सी तड़कने के लिए देंगे हम। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसी के अंदर दो मीडियम साइज़ के ऑनियन है इसे बारीक कट कर दी, इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, फ्राई करने के बाद क्या ऐड करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। गैस का फ्लेम हमें फास्ट ही रखना है। हमारी ऑनियन पक चुकी है, अब मैं इसमें हरी मिर्ची और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। हरी मिर्ची मैंने 6 ली हूँ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ली हूँ, उसे पीस ली हूँ, तो ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें पूरा ऐड कर दूँगी। ऐसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। दो मिनट तक देखिए, जब तक हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भून रहा है, दो मिनट नहीं हुए हैं, तब तक के कुछ स्पाइसी सूखे मसाले मैं आप लोगों को बताती हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि हम दाल गलने के टाइम पे भी सॉल्ट डाले हैं। और ये गरम मसाला हाफ टेबल स्पून ली हूँ मैंने, मैं अखा यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं पाउडर ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ली हूँ। हाफ टेबल स्पून भुना कूटा जीरा ली हूँ, हाफ टेबल स्पून ये अखा धनिया और सौंफ का पाउडर है, ये हाफ टेबल स्पून ली हूँ, हाफ टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर है, हाफ टेबल स्पून मैंने चिली पाउडर ली हूँ, ग्रीन चिली भी हमने ऐड करे इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून चिली पाउडर ली हूँ। अभी ये इसमें ऐड कर दूँगी सारा मैं। इसे दो मिनट तक के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, उसके बाद क्या ऐड करना मैं आप लोगों को बताती हूँ। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ का टमाटो और 1 मुट्ठी कोथमीर इसे बारीक कट कर ली इसमें ऐड कर दूँगी। ऐसे अच्छा सॉफ्ट होने तक के हम भूनेंगे टमाटर को, अच्छे से इसे गलने के लिए देंगे टमाटर को। फिर इसमें मैं क्या ऐड करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। हमारे टमाटर सॉफ्ट होने आए हैं, अब मैं इसमें मटन ऐड कर दूँगी। मटन हमारा 350 ग्राम है, तो मैं इसमें सारे ऐड कर दूँगी। आपको जो पसंद है मटन चिकन में भी आप ऐसे बना सकते हो। अब मैं इसे 2 मिनट करके भून के इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके इसका फ्लेम लगा दूँगी, और इसे 5 से 6 सीटी ले लूँगी, मटन हमारा अच्छे से गल जाएगा। 6 सीटी हो चुकी है, हमारा भुना अच्छा बन के तैयार हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है। इसे फास्ट फ्लेम पे अच्छा हम भून लेंगे 5 मिनट तक के। भूनने के बाद मैं इसमें लौकी ऐड करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। ये मैंने फास्ट फ्लेम पे रख चुकी हूँ, इसका मसाला भी अच्छे से गल चुका है। देखिए सब प्याज टमाटर हमारी अच्छे से भून चुकी है, ऐसे 2 मिनट तक के और हम पकने देंगे, फिर मैं इसमें लौकी ऐड कर दूँगी। आप ऐसे ही भूना बना के भी खा सकते हैं बिना दाल गोश्त के, बहुत ही अच्छा लगता है। मटन भुना ऐसे तरीके से बनाओगे वो भी बहुत टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें लौकी ऐड करूँगी। देखिए अब मैं इसमें, ये मैंने 300 ग्राम लौकी ली हूँ,
ये ऐसे बीच में से इसकी बीज निकाल के ऐसा बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। ये पाँच ये मैंने सॉरी 300 ग्राम लौकी ली थी। करने के बाद में मैं इसे 2 मिनट तक के पका के इसकी भी एक सीटी ले लूँगी गैस का फ्लेम फास्ट करके। मैं एक प्रेशर कुकर का कवर लगा के इसे एक सीटी ले लेंगे ताकि हमारी लौकी भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। देखिए हमारी लौकी भी अच्छे तरीके से गल चुकी है एक सीटी में ही। और अब मैं इसमें दाल जो हमने गला के रखे थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पूरी दाल। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जितना थिक चाहिए हमें, जितना लूज चाहिए इसमें हम पानी डाल के ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको गैस पे रख दूँगी और फिर इसके बाद क्या ऐड करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। मैंने तो इमली भिगा के रखी थी, इसका पल्प निकाली, अब मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें थोड़ा सी पानी ऐड करूँगी। ये दाल है जो 1/2 गिलास के जितना पानी ऐड करूँगी, मुझे ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, थोड़ा थीक ही चाहिए तो अच्छा लगता है दाल गोश्त। अब मैं आप लोगों को इसमें पानी डाल के इसमें ऐड करके बताती हूँ। देखिए इसमें मैं भी 1/2 गिलास के जितना पानी ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ज़्यादा पतला भी नहीं हुआ है, मुझे ऐसे ही चाहिए। ज़्यादातर लोग चने की दाल का भी बनाते हैं, सिर्फ चने की दाल का, लेकिन मैंने मसूर की दाल का बनाई हूँ। चने की दाल हमारे घर में कोई नहीं खाता है, इसलिए मैंने मसूर की दाल ली थी। अब मैं इसमें कोथमीर ऐड कर दूँगी। ऐसे बॉईल होने के लिए हम रख देंगे और थोड़ा सी हम ऊपर से 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने तक के हम पका लेंगे। फिर मैं आप लोगों को डायरेक्ट डिश आउट करके बताती हूँ। देखिए हमारा मटन दाल गोश्त बनके एकदम रेडी है, बहुत ही अच्छा और डिलीशियस बनता है, एकदम प्रेशर कुकर में एकदम फटाफट बनने वाली रेसिपी है। बकरा ईद है, मटन दाल गोश्त ऐसे मेरे अंदाज़ में ज़रूर बनाना, बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मैं एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।